ये पिज्जा जब आप मुंह में डालते हो ना, तो आप महसूस करते हो इसके एक एक टॉपिंग को। तो दोस्तों, फिर से आज मैं डोमिनोज के आइटम लेके आया हूँ इस वीडियो में, उसका रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पे है इनकी क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। पिछली बार मैंने पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड का रिव्यू किया था, जो आपने काफी पसंद किया। उसके बाद इनका मोस्ट ओवरलोडेड पिज्जा, वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्जा भी मैंने मंगाया है, उसका भी रिव्यू इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप डोमिनोज में पिज्जा खाने का सोच रहे हैं, देन दिस कैन हेल्प यू अलॉट, बिकॉज हमारे पास कई पिज्जा के ऑप्शन होते हैं और हमको कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम खाएं तो हमको काफी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ ब्लोडी फुटेज। और आज के इस वीडियो में करेंगे डोमिनोज पिज्जा प्लस गार्लिक ब्रेड का रिव्यू। ये है हमारा डोमिनोज का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। उसके बाद यहाँ पे हमने मंगाया है वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा, इनका पिज्जा है जो कि मैंने रेगुलर साइज में मंगाया है, मीडियम और लार्ज जो होता है वो अकेले के लिए खाने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। और ये मेरी पेप्सी है, और हमेशा एज यूजुअल मैं ये ज़रूर मंगाता हूँ चीज़ी डिप, आप भी ज़रूर मंगाइएगा, बिकॉज इसके साथ गार्लिक ब्रेड का जो मज़ा है ना, वो और हो जाता है। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें ये टैग लगा हुआ है, अनटच्ड जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तो हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। ओके, तो हियर यू गो एंड हियर इज योर गार्लिक ब्रेड। वाओ, व्हाट अ शेप। वर्टिकली इसको जो है डिवाइड किया गया इक्वल हाफ्स में। अब आ जाते हैं अपने पिज्जा की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको ये टैग मिलता है, बिकॉज कोरोना चल रहा है ना, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। ओवन से निकलता है और डायरेक्ट आपके डब्बे में आता है। मतलब लुक्स वाइज आप देख सकते हो मोस्ट ओवरलोडेड पिज्जा इनका। जी हाँ, मोस्ट के बाद भी मैंने ओवरलोडेड शब्द का यूज किया, बिकॉज बहुत लोडेड पिज्जा है। तो फाइनली मैंने सारी चीजें अनबॉक्स कर ली हैं, अब एक एक करके अपन इसे टेस्ट करेंगे। सो आपको इस तरीके से इसको लेना है, एक स्लाइस पिज्जा का, एक स्लाइस। ऑलिव्स हैं, पनीर है, बिकॉज मैंने टोमेटो के साथ पनीर को रिप्लेस करवाया है। बाकी यहाँ पे अनियन है, मशरूम है, और ये आप जलेपिनो देख सकते हैं, एलेपिनो भी बोल सकते हैं इसको। ये पिज्जा जब आप मुंह में डालते हो ना, तो आप महसूस करते हो इसके एक एक टॉपिंग को। कॉर्न है, ब्लैक ऑलिव का टेस्ट है, टेस्ट वाइज काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब फुल सॉल्ट है, मीठा जरा सा भी नहीं है। मतलब मुझे मीठी चीजें, पिज्जा वगैरह तो मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पनीर वगैरह जो है रहता है ना, तो वो मीठा मुझे नहीं पसंद, नमकीन ही अच्छा लगता है। क्रस्ट अच्छे से पका है और पिज्जा काफी मुलायम है ना, जैसा पिज्जा होना चाहिए। एक टिपिकल पिज्जा जिस तरीके का होता है ना, उस तरीके का पिज्जा है। डिलीवरी वाला आइटम है, तो इसमें आपको चीज पुल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको चीज पुल भी देखने के लिए मिलेगा, जब वो तवे पे ले आते हैं ना। ऑलिव का एक बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, और काफी रिच है, काफी अच्छे तरीके से चीज यहाँ पे यूज किया गया है। क्रस्ट अच्छे से पका है, मतलब क्रस्ट एकदम कुक्ड है, अच्छे तरीके से इसका क्रस्ट जो है वो अंदर तक कुक है, कच्चा नहीं है, और काफी सॉफ्ट है, मजा आ रहा है खाके, चीजी डिप के साथ में। जी हाँ, चीजी डिप के साथ में टेस्ट और एनहांस हो गया। प्याज, ऑलिव, कॉर्न जो स्वीट कॉर्न है वो, और जलेपिनो भी डाला है इसमें। जी हाँ, जलेपिनो भी डाला है, बेहतरीन है। खट्टापन भी है थोड़ा सा, जो अच्छा लग रहा है।
ये मशरूम है, वेल कुक, अच्छा टेस्ट है। मतलब ये पिज्जा आप कभी लेके पछताओगे नहीं। कोशिश करना टोमेटो जो रहेगा इसकी टॉपिंग्स में, टोमेटो जो रहता है उसको रिप्लेस करवा देना पनीर से या ऑलिव से या मशरूम से। पिज्जा को मैं रेटिंग देना चाहूंगा यहाँ पे आउट ऑफ 5, 4.5 स्टार। 0.5 स्टार इसलिए मैं यहाँ पे काट रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा हो गया था पिज्जा। इतना बेहतरीन टेस्ट था, सारी जो वेजीज थी, प्याज, ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न, मशरूम, इन सब का एक बहुत अच्छा मिक्स्ड टेस्ट आ रहा था। और अब करते हैं इसका शुभारंभ। तो इसका क्रस्ट आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी तरीके से पका हुआ है। आपको स्वीट कॉर्न दिख रहा है और इसमें बेसिकली स्वीट कॉर्न, जेलेपिनो और अपना चीज ही रहता है, ज्यादा कुछ इसमें मटेरियल नहीं रहता। बटर लगा रहता है गार्लिक वाला और बस। स्वीट कॉर्न का मीठापन, जेलेपिनो का खट्टापन और चीज क्रिचनेस, सॉल्ट, ये सब मिला के बहुत अच्छी स्टफिंग इसमें बनाता है। लिटरली इसमें आपको चीज पुल भी देखने के लिए मिल रहा है। और एक रिकमेंडेशन हमेशा करूंगा, हमेशा चीजी डिप जरूर लीजिएगा इसके साथ। बहुत अमेजिंग, मतलब एक्सपीरियंस पिछली बार वाले से बहुत अच्छा है इस वाली गार्लिक ब्रेड का। ये आपकी स्टफ्ड चीज गार्लिक ब्रेड है और मैंने जो पिछली बार मंगाया था स्टफ्ड पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड था। आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें चीज पुल भी आपको मिल जाता है, तो काफी अच्छी चीज है बिकॉज ये स्टफ्ड है। अंदर की जो पूरी स्टफिंग है वो काफी टाइम तक गर्म रहती है, तो ये पुल आपको मिल सकता है। और ये आप जेलेपिनो देख सकते हैं, एलेपिनो भी बोल सकते हैं इसको, जेलेपिनो और स्वीट कॉर्न और चीज, यही तीन चीज देखने को मिलती है। और काफी अच्छा पका है इसका क्रस्ट, और ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरिगेनो, पिज्जा सीजनिंग वगैरह इसके ऊपर के सरफेस पे लगाई है। पर हमेशा इसको चीजी डिप के साथ खाइएगा, स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मीठा नहीं खाते हो, ये परफेक्ट चीज है खाने के लिए। डेट सही है, हमेशा डेट देखिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि यदि आप हॉलीडे वीकेंड में डोमिनोज में जाके पिज्जा खाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सा पिज्जा सिलेक्ट करो, तो वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्जा काफी अच्छा है, काफी टेस्टी, डिलीशियस पिज्जा है। मतलब टेस्ट काफी बैलेंस है, आपको पनीर की रिचनेस मिलेगी यदि आप टोमेटो से पनीर को रिप्लेस कराते हो, चीज आपको अच्छा खासा मिल जाता है, यदि एक्स्ट्रा चीज डलवाना है तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है, बाकी आपको वेजीज मिल जाती हैं, पूरी जो इसकी ऊपर की टॉपिंग्स होती है ना, आपको मतलब आनंद की अनुभूति का एहसास दिला देगा। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है इनका ये वाला क्लासिक स्टफ्ड चीज गार्लिक ब्रेड, बहुत टेस्टी। चीज कॉर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो तो ऑल टाइम अच्छा ही लगेगा, साथ ही साथ एलेपिनो का जो खट्टापन होता है जिस सिरके में ही डला रहता है, वंडरफुल, मतलब खट्टा टेस्ट भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसीना पसीना हो गया बिकॉज जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। अपने व्यूज बताइए, आपको कौन सा पिज्जा और कौन सा स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड पसंद है, पनीर टिक्का है या फिर नॉन वेज में जाते हो वो है। सो इस वीडियो के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय। सुबह से भूखा था आपके लिए मैं, बिकॉज मुझे खाना था ना, तो इतना खाने के लिए जगह तो चाहिए, इसीलिए सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मॉर्निंग 6 से लेकर के अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 बजे, तब तक मैंने कुछ नहीं खाया, तब जाके मैं ये खा पाया हूँ पूरा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा आप मत करिएगा, किसी को साथ में ले जाइएगा, उसके साथ शेयर करिएगा।